सो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से तमाम के वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो आपका फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का जो आपका अभ्यास परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है इसको पूरा पूरा सॉल्व करके बताने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको पूरा पूरा सॉल्व जल्दी से अपनी आंसर शीट में लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर फटाफट पूरा पूरा आपका आंसर बता देते हैं। सो गाइस अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी तरह वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए अब फटाफट आपके पहला क्वेश्चन से सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। सो जल्दी से आप अपनी आंसर शीट में लिख लीजिए नहीं तो याद कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर है सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है तो इस दोनों में हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर 6 नंबर का पहला प्रश्न देख लीजिए। अब निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किस जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। सो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति करती गेंद। सो गाइस इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज। सो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको इसी तरह वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। सो गाइस ये आ जाता है आपका नेक्स्ट पेज। यहाँ पर इसका तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ए बी और सी तीनों। सो ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पाँचवा क्वेश्चन आ जाता है आपका। चलिए फटाफट यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में ऊष्मा गति की अवस्था चर नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां निम्नलिखित उदाहरणों में कौन आवृत्ति गति को निरूपित करता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। यहाँ पर ए एवं बी ये दोनों। सो गाइस ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस जिस पर हमने राइट के चिन्ह लगाए हैं वही आपके राइट आंसर है। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं फटाफट क्योंकि इस वीडियो में आपके टोटल 20 क्वेश्चन है तो गाइस 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन चाहिए। सो गाइस चलिए यहाँ पर पहला है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट में m³ के बराबर है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1×10⁻¹। सो इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान डॉट गति कहते हैं। कौन सी एक समान त्वरित गति कहते हैं। सो इसमें लिख देना त्वरित यहाँ पर त्वरित लिख देना गति लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन में ही। सो त्वरित लिख देना त्वरित गति कहते हैं। इसके बाद है तीसरा ग्रहों की गति संबंधी क्षेत्रफल नियम डॉट संरक्षण पर आधारित है। सो गाइस किस पर कोणीय संवेग यहाँ पर लिख देना कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। सो गाइस इसमें आपको लिख देना है कोणीय संवेग। सो गाइस संवेग संरक्षण लिखा हुआ है। सो गाइस ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा है इसमें देख लीजिए जो नंबर वो गलत छपा हुआ है। यहाँ पर चौथा है वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है डॉट कहलाती है क्या तन्य पदार्थ कहलाते हैं। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है तन्य पदार्थ लिख देना है। सो गाइस ये लिख दिया हमने तन्य पदार्थ आपको भी इसी तरह लिख देना है। इसके बाद पाँचवें में आपका ऊष्मा धारिता हो जाएगा राइट आंसर। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आंसर आपको बताते चलते हैं ऊष्मा धारिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। इसके बाद है आपका छठवां विपरीत दिशा में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यक्तिकरण से डॉट तरंग उत्पन्न होती है कौन सी अनुप्रस्थ। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है अनुप्रस्थ। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये आपके रिक्त स्थानों के आंसर कंप्लीट हो गए। अब आप फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अब आ जाता है इंग्लिश मीडियम में तो गाइस इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। इसके बाद अब आपकी सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं फटाफट देख लीजिए। पहला का आपको पहला है कार ऊर्जा प्रमेय इसका हो जाएगा एफ ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है अप्रत्यय संघट हो जाएगा जी ऑप्शन से। इसके बाद तीसरा बल आघूर्ण हो जाएगा यहाँ पर ई नंबर से। इसके बाद चौथा कोणीय संवेग का हो जाएगा डी ऑप्शन से यहाँ पर। इसके बाद पांचवा है एक परमाणु के गैस हो गई इसका हो जाएगा ए ऑप्शन से पांचवा। इसके बाद छठवां बहु परमाणिक गैस हो गई इसका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर से। सो गई यहाँ पर छठवां लिखना है ये आपका
जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में चलिए अब नेक्स्ट पेज आपके जो है यहाँ पर एक वाक्य के उत्तर, चलिए इनके आंसर आपको बता देते हैं। तो इस एक वाक्य के उत्तर, पहला का आंसर जो है आपको स्वयं कर लेना है, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। दूसरा किसी सदिश ए के संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो इसमें लिख देना आपको ए कैप हो जाएगा बराबर ए वेक्टर वटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, आपको इतना लिख देना है एकांक सदिश के लिए। सो गाइस ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है तीसरा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसकी ऊर्जा का सूत्र लिखना, सूत्र हो जाएगा टू यहाँ पर 12, यहाँ पर आपको इतना लिख देना पहले स्प्रिंग यहाँ पर लिख देना स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिक ऊर्जा हो जाएगी 12 के आर स्क्वायर। सो इस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है छठवें का जो चौथा है, चौथे का भी आपको आंसर स्वयं कर लेना है इसका। इसके बाद है पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा एफ समानुपाती माइनस वाई हो जाएगा। सो इस ये आपका राइट आंसर कंप्लीट हो गए। अब आपके चलिए अब आपके सत्य फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए जल्दी से फटाफट सत्य कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए पहला आपका सत्य हो जाएगा, इसके बाद दूसरा भी सत्य हो जाएगा, इसके बाद तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, इसके बाद चौथा आपका सत्य है, इसके बाद पांचवा भी आपका सत्य है। सो गाइस ये आपके सत्य कंप्लीट हो गए, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहे आपके प्रश्न, देख लीजिए छठवां प्रश्न है, देख लीजिए चलिए इनके आंसर आपको कंप्लीट करा देते हैं। सो गाइस ये रहे इसके आंसर, देख लीजिए छठवां, पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये रहा इसका आंसर। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। सो गाइस जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सातवां देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन। सो गाइस ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन, देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां का अथवा का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ये वाला। तो गाइस चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर इसका। सो गाइस जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, अथवा का सातवां का आठवां है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पास आठवां क्वेश्चन तो होगा, आपको स्कूल से ही सभी क्वेश्चन पेपर मिल गए होंगे, लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहे तो जल्दी से देखते चलिए। यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका आंसर आठवां का। सो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका नौवां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ये रहा प्लाव अनुपात, और इसके बाद देख लीजिए ये रहा जलीय प्रतिबल किसे कहते हैं, ये आपका आंसर इसका कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे रहा आपका जलीय प्रतिबल किसे कहते हैं, सो गाइस जल्दी से लगा लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद है नौवां के बाद दसवां, बीन विस्थापन का नियम लिखना है, और इसके बाद है न्यूटन, यहाँ पर बीन विस्थापन का नियम ही देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा बीन विस्थापन का नियम, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है आपका ग्यारहवां में आपको क्या करना है, ग्यारहवां में देख लीजिए यहाँ पर रुद्रम प्रक्रम किसे कहते हैं, इसका जो है इसका आंसर देखेंगे। सो जल्दी से देख लीजिए ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए रुद्रम प्रक्रम किसे कहते हैं, इसका जलीय स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए यहाँ पर फटाफट, अगर आपको पूरा ऊपर से नीचे तक लिख देना आपको इसका आंसर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट है बारहवां, देख लीजिए फटाफट बारहवां, देख लीजिए बारहवां का अथवा देखेंगे, बारहवां का अथवा का आंसर करेंगे, देख लीजिए जो आपको अथवा का दिया हुआ है ये आपका अथवा का कंप्लीट करेंगे। सो गाइस ये रहा आपका अथवा का आंसर। सो गाइस जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बारहवां का अथवा का। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका तेरहवां क्वेश्चन है, तो इस सभी क्वेश्चन हमने बता दिए कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में सॉल्यूशन सही। सो गाइस इसके बाद तेरहवां क्वेश्चन का अथवा देखेंगे, तेरहवां का अथवा का आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका तेरहवां का अथवा। इसके बाद है आपका चौदहवां क्वेश्चन, ये रहा आपका चौदहवां क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। सो गाइस फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए चौदहवें का। इसके बाद है पंद्रहवां, ये रहा आपका पंद्रहवां क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। सो गाइस ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए पंद्रहवां का आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पंद्रहवां का आंसर। इसके बाद है सोलहवां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, इसके बाद इसका आंसर देखेंगे। सो गाइस ये रहा इसका आंसर, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे नीचे का स्क्रीनशॉट बता देंगे। सो इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इससे यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पूरा ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में। तो इसलिए एक बार में ही पूरा स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन सोलहवें का आंसर का। इसके बाद है आपका सत्रहवां, ये रहा आपका सत्रहवां क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा इसका आंसर,
देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। 17वां का क्वेश्चन ये रहा इसका आंसर। तो इस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 17वां का। इसके बाद है 18वां, ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। इसके बाद ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए ये रहा इसका आंसर। सो गाइस यहाँ पर फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, सो गाइस ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, देख लीजिए फटाफट। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। तो गाइस ये रहा 19वां का आंसर। इसके बाद 20वां क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो गाइस ये रहा आपका 20वां का क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ से काफ़ी लॉन्ग आंसर है। सो गाइस पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इससे नीचे का देख लेते हैं, इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपका पूरा पूरा 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस ये आपके पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।